हेलो गाइस, व्हाट अप, इट्स बॉय द्राक्षा जी। तो कैसे आप सभी, लेके एक ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, कॉज भाई 2021 की पहली हैवी स्नोफॉल पड़ी है भाई, और टूरिस्ट जगह जगह से शिमला पहुंच रहे हैं। सड़कें जाम हो रखी है भाई साहब, पैदल चलने के लाले पड़ गए लोगों के। और इस बार हम लोग जाके पूछेंगे भाई कैसे इंजॉय कर रहे हैं वो 2021 की पहली स्नोफॉल, क्या क्या करने वाले स्नोफॉल में, कहाँ जाने वाले कहाँ नहीं जाने वाले। और अगर ज्यादा ठंड लगी है भैया तो ठंड के क्या क्या इलाज रखे उन्होंने अपनी जेबों में अपने बैगों में भाई, तो ये सब भी जानने वाले हैं। आप भी कमेंट करके बताओ, अगर ठंड लगती है तो आप क्या क्या करते हो अपने अपने घरों में। और 2020 की इतनी मनहूसियत के बाद 2021 इतने स्माइली फेस लेके आया है, तो वेलकम 2021, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। आई होप 2021 अच्छा जाए। चलो लेट्स गो एंड बिगिन द वीडियो, कम ऑन। सो गाइस, दो लौंडे हमारे बीच है भैया, कहाँ से आए हो पहले तो भाई? हम लोकल है। लोकल है, कहाँ से लोकल है? शिमला। हम शिमला से। नहीं, वैसे कहाँ से, नेटिव प्लेस कहाँ? वैसे यूपी से। वैसे यूपी से ना। और आप कहाँ से? यूपी। क्या करते हो शिमला में? दुकान है, शॉप है हमारी। शॉप है किस चीज़ की? गवर्नमेंट्स की। गारमेंट्स की शॉप है, सही सही। और बताओ भाई, 2021 की स्नोफॉल काफी सही लग रही है मुझे। बहुत अच्छी जबरदस्त स्नोफॉल पड़ी है 2021 की। 2000 मनुष्य बिल लेकर रहा है था इस 2021 में, बहुत मजा आ रहा है स्नोफॉल, इससे टूरिस्ट का क्रेज बढ़ेगा। क्या बात है भाई, आपको प्रधानी के लिए खड़ा, जब प्रधानी के लिए खड़े हुए हैं आप, जिस हिसाब से आप बोल लेते हैं। मेंबर बन गए हैं। बन गए भाई साहब, 2021 सही जा रहा है भाई के लिए। सो गाइस, अभी हमारे बीच सरस्वती योग पीठ से द को फाउंडर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट शेरी सरस्वती जी हमारे बीच है। तो हाय, व्हाट्स अप, कैसे हो? गुड, ग्रेट, हाउ आर यू? आई एम सो ग्रेटफुल। एक तो स्नो हो गया बहुत टाइम बाद, सो आप मुझे बताओ 2021 की पहली स्नोफॉल। 2020 बहुत बुरा गया सभी का, लेकिन 2021 में इतनी अच्छी स्नोफॉल का मतलब है कि 2021 शायद अच्छा जाने वाला है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कैसी लग रही है पहले तो फर्स्ट स्नोफॉल, और उसके बाद क्या प्लान है? सेकंडली, पॉजिटिवली दिस ईयर गोज वेल फॉर एवरीबॉडी, फॉर मी, फॉर यू, फॉर एंटायर बिजनेस लाइन। जिस तरीके से आई होल्ड अ प्राइवेट बिजनेस, आप भी एक ब्लॉगर हैं, हम दोनों के लिए कुछ अच्छा और एक्साइटिंग इन 2021 definitely it has to be great. I mean, at a very positive note, I guess. सही। अच्छा, तो जैसे अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है ना, तो लोगों के पास बहुत अलग अलग तरीके होते हैं ठंड से बचने के। तो जैसे रामदेव जी को हम बचपन सुन रहे हैं कि योगा से ही होगा, तो क्या लगता है कि ठंड का इलाज भी योगा से ही होगा, या फिर यू हैव टू बी लाइक वो ओल्ड मॉन्क वाला गाय? या यू कैन बी एन ओल्ड मॉन्क गाय, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट येस, इन द मॉर्निंग यू कैन बिकम अ पर्सन ऑफ योगा, यू कैन डेफिनेटली ट्राई योगा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग यू कैन डेफिनेटली बी ओल्ड मॉन्क गाय। तो गाइस, अपनी 23 साल की जिंदगी में खुद से ज्यादा डेयरिंग आदमी मैंने नहीं देखा है, ठीक है, समझ रहे हो भाई? कहाँ से आती है ये ताकत? क्या मतलब राम रहीम जी ने कुछ आशीर्वाद वाशीर्वाद दिया था क्या जाने से पहले? वैसे नेचुरल है कोई। कैसा नेचुरल मतलब? जो भी कह लीजिए। आपने स्नोफॉल पहले देखी है या फर्स्ट टाइम देखा? देखा है पहली बार। पहले भी देखा? जी जी। मतलब मुझे नहीं लगता आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मॉल रोड पे कपड़े उतार के खड़ा हो जाए, लेकिन ये आदमी इतना डेडिकेटेड है स्नो के लिए। अच्छा, तो कैसा लगता है स्नोफॉल में, कोई बताओ कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लगा। हेलो हेलो, हाय सी, व्हाट्स अप? हाय हाय मिस्टर डॉक्टर, फाइनली यू आर बैक फ्रॉम, कहाँ गए थे आप? मैं काफी जगह हुआ हूँ। ओके,
इसको हम टॉस कर लेते हैं, हम आपके साथ फील ले लेते हैं। हरमाइनी ग्रेंजर हमारे बीच, गाइस फ्रॉम हैरी पॉटर, प्लीज तालियां हो जाए। सो हाउ आर यू लाइकिंग पूरा हॉगवर्ट्स विंटर वाली फीलिंग दे रहा है? ज्यादा वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट कि एक्चुअली ये नार्निया जैसा लग रहा है, है ना? वहां पे काफी सुंदर लाइट्स के साथ काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, एंड इट्स लुकिंग लाइक अ फेरी टेल एंड अ विंटर वंडरलैंड। सो आई थिंक जो टूरिस्ट यहाँ आया काफी एंजॉय कर रहा होगा, और लोकल्स तो एंजॉय कर ही रहे हैं। कि क्या करने आया शिमला इतनी बर्फ? बर्थडे मनाने, डेस्टिनेशन बर्थडे, डेस्टिनेशन बर्थडे। ये दिल्ली वालों के होता होगा, हमने डेस्टिनेशन वेडिंग सुनी। ये कैसा होता है डेस्टिनेशन बर्थडे, कैसा होता है? मतलब पहले कोई डेस्टिनेशन ढूंढो जस्ट लाइक वेडिंग, उस डेस्टिनेशन पे जाओ, केक लेकर इतने स्नोफॉल में केक काटो, फिर केक खिलाओ और घूमो और बस। अब क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, अभी इतनी ठंड होने वाली है तो क्या करने वाले हो आज इस ठंड में, कैसे खुद को गर्म रखोगे आप इस ठंड में? तो सर बस रम ही चाहिए, बस रम ही चाहिए। रम ही इलाज है इसका तो, और कोई इलाज नहीं है इसका, कोई इलाज नहीं है बाकी, तो बस रम ही इलाज। हीटर वीटर सब भाड़ में जाए, सब भाड़ में जाए, हीटर वीटर सारा कुछ नहीं होगा इससे। इतनी सर्दी है -6 डिग्री है, इससे रम के अलावा कुछ नहीं भागेगी सर्दी। तो मतलब आपको सिर्फ रम चाहिए? रम चाहिए बस। तो आप सरकार से सब्सिडी मांगना चाहेंगे रम पे? सब्सिडी तो देनी पड़ेगी सरकार को, है ना? जी, क्योंकि रम काफी महंगी भी हो जाएगी, तो कैसे लेंगे? सरकार से अपील करेंगे, वो एडजस्ट करेगी कहीं ना कहीं से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब सिंगल लोग हैं तो ऐसे सिकुड़ते हुए रजाई में पड़े रहेंगे, क्या ही करेंगे। और कोई और बड़ी प्रॉब्लम ये कि पीते नहीं है, और कभी सीखा ही नहीं पीना, पीते भी नहीं, नहीं पीते हैं। ये तो हम लोग की ठंड बहुत बुरी कटने वाली है, मतलब कट जाएगी जान लीजिए, हाँ कटने वाली हम लोग की। मतलब ये गरीबी में आटा गीला कहना कहते हैं। एक तो आदमी सिंगल, ऊपर से सूफी, मतलब बहुत जलन हो रही है। देख रहे हैं सारे मोस्टली कपल आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सिंगल लौंडो को, सिंगल लौंडो को डेस्टिनेशन बर्थडे के लिए ना, जलन होती है सिंगल। तो 2 मिनट के लिए तो भाई के लिए मौन रखेंगे एक। और हम चाहेंगे भाई आपको जल्दी से आपकी वन्नबी बंदी सेट हो जाए, सेट हो जाए। मैं वन्नबी वाइफ बोल रहा था, कह रहे बंदी सेट हो जाए। ये आदमी इतने डेस्परेट हो गए हैं। नहीं नहीं, ये बंदी सेट हो, ये कैसी बंदी सेट कैसे होती मुझे बता। बंदी देख चुके हैं ना, वो बस सेट करना है, सेट हो नहीं रही है, तो सेटिंग करनी है। हर 2-3 दिन में बंदी दिखती है, लेकिन वो बस हाई हेलो तक ही रह जाए। तो आप ऐसा करो, सॉफ्टवेयर अपडेट करो एक बार, मेरे हिसाब से वहीं कहीं दिक्कत आ रही है। आजकल एंड्रॉइड वेंड्रॉइड काफी चेंज हो रहा है। सो गाइज आई एम रियली सॉरी, मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा, बिकॉज बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी, और 2021 की तो आपको पता है पहली पहली ठंड है, तो आदत रही नहीं है। एंड यस आई एम एट त्रिशूल, एंड दिस त्रिशूल इज सर्विंग हिमाचल प्रदेश फॉर लास्ट 62 इयर्स, एंड पंडित जी ओवर हियर इज सर्विंग त्रिशूल फॉर लास्ट 45 इयर्स। तो पंडित जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत अच्छे हैं आप, सुनाइए आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। सबसे आपको कॉफी कैसी लगी? मुझे कॉफी बहुत टेस्टी लगी, मुझे बस ये नहीं समझ आ रहा कॉफी कौन सी यूज की आपने। ये कोलंबियन ब्रू है, स्पेशल है ये बीन्स, जिससे कि हम कॉफी तैयार करते हैं। Okay. और इसमें कई वैरायटियां हैं, और इसमें हेजलनट है, आयरिश है, कैरमल है, लाते हैं अमेरिकन है। लाते तो मैंने सिर्फ अपनी मम्मी से खाई थी लास्ट टाइम, लेकिन ये वाली लाते ज्यादा टेस्टी लग रही है मुझे। ओके सो पंडित जी पहले तो ये बताओ, बर्फ पड़ रही है, कैसी मौज आ रही है? और पहली बात, बहुत अच्छी, इतनी ठंड में आप लोगों को सर्व करो, आपको खुद ठंड नहीं लगती? बिल्कुल नहीं लगती, क्यों लगनी ठंड, मतलब लोगों के वार्म वेलकम। हाँ हम तो हैबिचुअल है, हमें कैसे ठंड लगेगी। सही। अच्छा तो और क्या क्या स्पेशलिटी है त्रिशूल में जो आप सर्व करते हो और लोगों को ट्राई करनी चाहिए जो बाहर से आ रहे हैं? स्पेशली हमारे पास स्पूनी है, जैपनीज है, क्लियर है, चॉकलेट है, और जो कि नॉर्थन इंडिया में कहीं भी नहीं बनती। थैंक यू सो मच, यू कांट फाइंड एनीवेयर एक्सेप्ट ओनली त्रिशूल। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो पंडित जी अभी मैं जरा नहीं पिया, मैं शादी में कॉफी पिएंगे सर। आप कॉफी तो मैं पी लूंगा। काफी ठंड है पर अच्छी ठंड है, इट्स वेरी एंजॉयबल, और बर्फ का बहुत लुत्फ उठाया जा रहा है। तो किस तरह से लुत्फ उठाया जा रहा है सिया जी, प्लीज टेल मी। यहाँ पे हम लोग काफी देर से वॉक कर रहे हैं मॉल पे, और फिर हम लोग गेटी में क्लब में बैठे थे एंड वी हैड लंच देयर, और अब हम फिर निकल गए हैं। सुबह से बर्फ पड़ रही है, ऑलमोस्ट 12 घंटे होने वाले हैं, और उम्मीद है कि ये रात तक बर्फ चलती रहेगी। तो कल काफी लोग एंजॉय करने वाले हैं, बर्फ में खेलने वाले हैं। अंकित अंकित आपको सेंसर करना पड़ेगा, मैंने अपने प्लान्स बताए तो, सो आई बिलीव इट्स बेटर आई शुड नॉट से इट।
समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? एवरीवन हाय हाय हाय, दिस इज असद अली सेठ। असद अली सेठ, क्या करते हो भाई? MBBS। MBBS करते हो, नाइस। तो अभी क्या करो, ट्राइपॉड वाइपॉड लेके? आई एम आल्सो अ स्मॉल स्केल यूट्यूबर। स्मॉल स्केल यूट्यूबर कैसे होते, मतलब चींटियों के लिए बनाते हैं कंटेंट? चींटियों के लिए बनाता हूँ, जो लोग मतलब जैसे थोड़ा बेकार जैसा कंटेंट होता है वो देखते हैं लोग। ए भगवान, ये कितने क्यूट लोग होते हैं। क्या चैनल का नाम क्या है आपका? डॉक्टर डार्क एंड कैफीन। डॉक्टर डार्क एंड कैफीन। कैफीन भाई, मुझे बहुत डार्क कंटेंट लग रहा है भाई का, बट कोई नहीं गाइस, डू वॉच हिज कंटेंट, मैं भी घर जाके देखूंगा। ओके, तो एज अ डॉक्टर? नहीं, एज अ डॉक्टर नहीं, एज अ मेडिकल स्टूडेंट। एज अ मेडिकल स्टूडेंट, डू यू प्रेफर रम फॉर योर ऐसे हीट एनहेंसमेंट, या फिर कोई और प्लान्स भी होते हैं डॉक्टर्स के पास? टी टॉटलर। टी टॉटलर, यस। चाय पे जिंदा हो? कॉफी एंड चाय। कॉफी एंड चाय, वो कैफीन वहीं से आया है। सही, चलो थैंक यू सो मच, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू ब्रो, अच्छा लगा आपसे मिलके। सो भाई, जहाँ पे रम वाले बंदे हैं वहीं पे हमारे पास चाय वाले बंदे भी हैं, तो हर तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच गाइस, काफी अच्छा लगा, आई होप। इस आदमी को माता आ रही है भाई, इस आदमी को माता आ रही है भाई। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू एंजॉयड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो और क्या देखोगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप शिमला में 2021 की इतनी अच्छी स्नोफॉल हुई, आई होप आप सभी का 2021 बहुत अच्छा जाए, एंड आई होप कि जितने भी काम रुके थे सबके वो काम बने एंड सभी सुख शांति से रहे, बिकॉज हिमाचल वाले दे आर इन्जॉइंग अ लॉट और काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप लोग भी हिमाचल आए, शिमला आए, बट प्लीज़ कीप इन माइंड, कीप हिमालयाज ग्रीन एंड क्लीन, और प्लीज़ कूड़ा कर